क्या लगता है बाबा, कौन जीत रहा है, तेजस्वी या नीतीश? एक बात बताओ, तेजस्वी या नीतीश हो, एक सीएम के नीचे जो भी काम करता है उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है? आईएएस, आईपीएस, पीएचडी। आईएएस और आईपीएस के नीचे जो काम करेगा वो नाइन्थ फेल के नीचे काम करेगा, कौन सा भाषा में उसको समझाएगा? वो किस भाषा में समझाएगा? हिंदी वो नहीं समझेगा, इंग्लिश वो नहीं समझेगा, तो आईएएस कौन सा भाषा में समझाएगा? आ सोचिए, कन्हैया कुमार जैसे डॉक्टरेट की बात करने वाले उनके लिए प्रचार कर रहे हैं और पूरे देश में ज्ञान बघार रहे थे। कन्हैया प्रसाद खुद क्या है, जेएनयू में जा करके टुकड़े टुकड़े के नारे लगवाने वाले सीपीएम वाले क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? वो बंगाल बर्बाद कर दिए। देश की राजधानी पहले कहाँ था बतलाइए? कलकत्ता। कलकत्ता आज कहाँ है? दिल्ली। कलकत्ता में क्या हुआ? कहाँ गया कलकत्ता? कहाँ गया कलकत्ता के उद्योग हैं? लेकिन वो तो बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ लेफ्ट की सरकार है, जहाँ जहाँ हम लोग हैं, वहाँ शिक्षा दर देखिए, वहाँ की रोजगार देखिए, वहाँ की सोच देखिए। लेफ्ट की सरकार आएगी चाइना के हवाले कर देगा, वो तो चाइना के बल पर कूदता है, चाइना का फंड होता है, फंडिंग चाइना का है। और ओबीसी के पास में क्या है? डी कंपनी का फंडिंग है, तो देश को बर्बाद करवा दिए डी फंडिंग से। डी फंडिंग ही है ना। अभी तो ये लोग 370 हटाने की बात कर रहे हैं। कौन? कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 370 फिर से वापस। एक बात बतलाइए, कश्मीर किसका था? कश्मीर किसका था? जी समझ रहे, बताइए। कश्मीर तो ब्राह्मणों का था, पंडितों का था, आज मुस्लिमों का कैसे हो गया? उस समय जो सरकार थी वो कहाँ सोई हुई थी, क्या कर रही थी, कितने कत्लेआम हुआ, एक एक दिन में कितने हिंदू मारे गए, कितने ब्राह्मण मारे गए, उस समय लोग कहाँ थे? किसी पार्टी ने कोई आवाज उठाया? 370 अब लगाना दोबारा, किसी की माँ ने अभी दूध नहीं पिलाया है कि 370 दोबारा कोई लगा देगा? मोदी जी का आज का भाषण सुने हैं क्या? मोदी जी के भाषण नहीं सुने हैं, मैं खुद आज तक के एम्प्लॉयज हूँ, 32 साल इंडिया टुडे में नौकरी किया हूँ। देखिए क्या पूछना चाहते हैं? देख मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। नहीं नहीं तो फिर मतलब माहौल, मतलब पूरी तरह से एनडीए माहौल एनडीए है, लेकिन एनडीए के अंदर भी अब घमंड आ रहा है। अच्छा, लोजप्पा कहाँ गया, क्यों गया? लोजप्पा के कितना सीट आ जाएगा, वो सीएम बन जाएगा हैं? वो तो गेम खेला जा रहा है, पॉलिटिकल गेम है। सर लोजप्पा अलग जा रहा है, बीजेपी अलग जा रही है, नीतीश अलग जा रहा है। जहाँ नीतीश की सीट है वहाँ लोजप्पा खड़ा हो रहा है, जहाँ बीजेपी का है वहाँ लोजप्पा खड़ा है। कि खड़ा कराया गया है? खड़ा कराया गया है, किया गया है, पॉलिटिकल गेम है सारा। और क्या है, जो घमंड है वो तोड़ना है। किसका? किसका? तीन दोनों का तोड़ना है, लोजप्पा का भी और नीतीश का भी। इसलिए सोच रही बीजेपी का हमारा सीट आएगा, हम दोनों को दिखाएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। अच्छा, औकात क्या है? बिल्कुल औकात दिखाने के लिए काम। जनता का मूड क्या है? जनता का मूड तो है ही, जो भी है वो केवल देश के अंदर केवल एक ही आदमी को देखा जाता है, वो मोदी को देखा जाता है। स्टेट भी चलवाना है तो आज मोदी के ही बल पर चलना है, और देश भी चलना है तो मोदी के बेस पर ही चलना है। तेजस्वी पर भरोसा क्यों ना किया जाए एक बार भी? एक बात बतलाइए, अरे वो चुरकुट कहने वाला की तो बेटा है, जो कहता है तो चुरकुट बेटा तो उसी का है, तो ये क्या कहेगा? अभी चुरकुट ही कहेगा? 9वीं फेल है, पीएचडी उसके नीचे, और आईएएस कैसे काम करेंगे? कौन से भाषा में समझाएंगे? आपको तो पहले ही बतलाया हूँ, कौन से भाषा में समझाएंगे वो आईएएस और आईपीएस? आपको आज एक सिपाही भर्ती करना है तो 12वीं पास चाहिए हैं, और सीएम बनने के लिए 9वीं फेल चाहिए? ये सारे के सारे नेता गद्दार और चोर हैं। जिस मंत्री को जिस पद, जिस डिपार्टमेंट के मंत्री बनना है उस डिपार्टमेंट में पीएचडी है तो मंत्री बनाओ, और नहीं तो नोटा पर वोट दबाओ, नोटा पर वोट दबाओ। और देख रहे हैं जिस तरीके से जनता का मूड मिजाज कह रहा है, क्योंकि ये 9वीं पास और 9वीं फेल भले आप कहें, हम फिलॉसफी में कहें कि दे ना दे, लेकिन जनता देख रही है कि उन्हें जो पीएचडी वाला चाहिए, आईएएस पीसीएस वाला चाहिए, कैसे एक पढ़े लिखे के अंदर काम करेगा? अन्य लोगों से भी बात करेंगे, क्या लगाता है, नीतीश जी या तेजस्वी? तेजस्वी तो एकदम गए हुए हैं, उनका बापे चोर था, ये भी चोरे होंगे। अच्छा, इनका बापे चोर है, मैं तो लूट करके जनता का पैसा धरे, कलकत्ता में जमीन लिए, दिल्ली में जमीन लिए, पटना में जमीन लिए, कितना हड़प लिए। अच्छा, तो मोदी सरकार आया कि उनसे हड़प लिया। अच्छा, हड़प लिया। हाँ,
जो लूटे क्रिमिनल करके मर्डर करके रेप करा के इथू करा के समूचा लालू यादव। अच्छा जंगल राज था जंगल राज पूरा था कि रोड पास में चल नहीं रहा था। अभी आप 12 बजे जाइए ना कथा ही ये कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। आ पहले 7 बजे 5 बजे लूटा जाता था आदमी। अच्छा नीतीश जी का योजना पहुँच रहा है गाँव में? हाँ पहुँच रहा है। उन्हीं का नीतीश कुमार का है कि सब रोड वोड बना है, चापाकल है, बिजली है, पानी है, क्या व्यवस्था हो रहा है। बिजली कितने देर मिलता है? कम से कम तो 20 घंटा। 20 घंटा? हाँ 20 घंटा बिजली मिलता है। कांग्रेस की सरकार थी, लालू का सरकार था, 2 घंटा बिजली आता था, ना कोई मोबाइल चार्ज कर सकता था, ना कोई कुछ कर सकता था। इसलिए नीतीश कुमार और भाजपा मिल करके यह अभी बढ़िया बिहार चल रहा है। वोट किसको 28 तारीख को पड़ेगा? भाजपा को। पक्का? पक्का। डन? नहीं जी। मोदी जी के नाम पे कि नीतीश जी के? मोदी जी के भी नाम पर, और मोदी जी समर्थन करते हैं नीतीश कुमार का, तो दोनों भी मिल करके हैं, तो जिसको समझिए भाजपा और नीतीश कुमार को दोनों को मैं। तो ये था पंडितपुर गांव बक्सर विधानसभा का, जहां हमने बात किया जनता से। जनता का कहना है कि वो लोग डबल इंजन की सरकार नीतीश और मोदी को पसंद करेंगे, तेजस्वी को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। न तो उन्हें 9वीं पास या 9वीं फेल चाहिए, और न ही उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिनका जो पुश्तैन ही लूट खसोट में रहा हो। 15 साल में जंगल राज लूटे, रोड पर जिस आप आए हैं उसमें माटी भी उगाए थे कभी 15 साल के अंदर में। अभी जाके देखिए रोड कैसे। अच्छा यहाँ के विधायक जी का क्या हाल है? यहाँ भी सिटिंग MLA शायद कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के हैं वो तो माने जीतना हारना तो माने अलग ही बात है, लेकिन लोग भाजपा का यहाँ का समर्थक हैं, चाहे कोई भी जाति के लोग हैं। हर जाति? हाँ हर जाति के लोग भाजपा के समर्थक। मतलब जातिकरण ध्वस्त हो जाएगा? हाँ जातिकरण ध्वस्त है। क्या लग रहा है नीतीश या तेजस्वी? नीतीश कुमार कहें? इसलिए कि हम लोग को विकास चाहिए और तेजस्वी विकास नहीं करेगा, चोर है वो, और चोर चोरी ही करेगा। तो चोर सीधे कैसे कह दे रहे हैं? हम देख रहे हैं ना, उनके पिताजी चारा घोटाला किए और कितना संपत्ति ये लोग हड़प लिया, तो चोर चोरी ना बोलेंगे, चोर को चोर ही कहेंगे ना। अच्छा ये तो बोल रहे हैं कि 10 लाख रोजगार का एक लॉलीपॉप आया, उस पर क्या कहेंगे? ये सब फालतू फंड है, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है ये, कुछ नहीं मिलने वाला है। अन्य लोग भी है, क्या लगता है कि तेजस्वी या नीतीश? नीतीश कुमार। हमारे यहाँ पे जो विधायक जी हैं देख लीजिए, ये हमारे यहाँ पे गांव का ये रास्ता जो है अभी जो बना हुआ है वो कुछ नहीं हुआ है। 15 साल हम लोग देख चुके हैं, 15 साल में कुछ नहीं हुआ है। और ये जो तेजस्वी साहब जो 10 लाख का नौकरी का बोल रहे हैं ये सब बस ये ढोकोसला है और कुछ नहीं है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, बहुत हमारे प्रधानमंत्री जो हम लोग का है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता हम लोग को जनता जो है इस बार परशुराम चतुर्वेदी जी को बहुत भारी मतों से विजयी कराने जा रही है। मतलब नीतीश के नाम पे वोट मिलेगा या फिर मोदी के नाम पे? दोनों। डबल इंजन की सरकार जो चल रही है इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बिहार सरकार और ये केंद्र सरकार की, जब दोनों की सरकार जो मिली जुली चलती है तो अच्छा चलती है, अच्छा चलती है। लेकिन बीच में नीतीश जी पलटी मार गए थे। लेकिन वो 18 महीने का जो सरकार जो चला लालू जी के साथ, तो वो इतना खराब किए काम उनके साथ नीतीश जी के साथ कि नीतीश जी अपना चेंज कर लिए। तेजस्वी पर भरोसा क्यों नहीं जताएंगे? तेजस्वी पर इसलिए भरोसा नहीं जताएंगे कि 9वें फेल है। एक पीएचडी जो एक वोट करेगा तो 9वें फेल को वोट कैसे कर सकता है, कैसे विश्वास कर सकता है कि 9वें फेल एक नौकरी देख सकता है? अच्छा हाँ, तो हम लोग उसको नहीं मानते हैं, हम लोग केवल बस नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। नीतीश जी के कार्यकाल में क्या विकास कुछ क्या लग रहा है आपको? 15 साल बनाम 15 साल में बढ़िया विकास हुआ, बच्चों लोगों को मतलब स्कूल में भी बढ़िया व्यवस्था मिल रहा है और रोड भी अच्छा मिल रहा है। यही सब देखते हुए हम लोग को लगा कि नहीं इन्हीं को रखना चाहिए नीतीश कुमार को, और गठबंधन में BJP है और बढ़िया मिल गया, सोना पे सुहागा हो गया। दोनों मतलब इस बार वोट चपक के जाएगा एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से, हमारा गांव पूरा मतलब 100% BJP। एक कन्हैया का पार्टी आया है, कन्हैया जी तेजस्वी के लिए वोट मांग रहे हैं, आई शिक्षा बात कर रहे थे। अरे ये सब ढकोसला है, ये लोग जो सच है वो सामने आएगा और चोर निकल के भागेगा यहाँ से, भाग जाएगा, भागना ही पड़ेगा, जनता भगा देगी एकदम बिल्कुल। तो उसकी तैयारी क्या है?
तैयारी पूर्ण रूप से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग देंगे अपने सरकार को जिताएंगे, जो हमारे काबिलियत है वो उसको हम रखेंगे अपने साथ। सुन रहे हैं कि ओवैसी साहब की भी एंट्री हो गई है यहाँ, स्वागत कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, वैसे ही इधर आएगा, पहले जूता चप्पल बजेगा भाग जाएगा, इधर से भाग जाएगा एकदम, बिल्कुल 100%। ओवैसी का स्वागत कैसे होगा? ओवैसी बस अपना वोट कटने के लिए आए हैं और कुछ नहीं है। बीजेपी हमारा जो है पूर्ण बहुमत से एनडीए का सरकार बन रहा है बिहार में। कितना सीट? 200+। इतना सीट दे देंगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे, ये प्लस से ही जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता नहीं ना है? नहीं, हम लोग जनता है। अच्छा हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर किसी अन्य जगह से बात करेंगे चुनावी यात्रा में। यहाँ पंडितपुर का मिजाज है, यहाँ लोगों का मिजाज है कि वो तेजस्वी का सरकार नहीं पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।